सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम बाल भारती विद्यापीठ स्कूल मोहाना में हिंदी की अध्यापिका हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा पाँचवीं का एकाग्रता का अभ्यास पाठ पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। किसी भी देश के महापुरुष होते हैं वो उसका पावर हाउस होते हैं। ऐसे ही महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद जी। उन्हें संकल्प शक्ति, विचारों की ऊर्जा और आत्मविश्वास का पावर हाउस कह सकते हैं। उनके विचारों से न केवल भारत को बल्कि दुनिया के देशों को भी ऊर्जा मिलती है। जब वे शिखर पर थे उस समय भारत देश गुलाम था। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो तब तक लगे रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह के विचार थे उनके। उन्होंने एक और बात कही, शक्तियां हमारे अंदर हैं, केवल उसको पहचानने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी शक्तियों को पहचान ले तो सफलता हमारे कदमों में। ऐसी प्रेरणा के स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरित होना चाहिए ताकि जीवन में सफलता मिले। तो चलो बच्चों, अधिक जानकारी के लिए हम पाठ को पढ़े और जाने आगे क्या दिया। चलो बच्चों, पाठ शुरू करें। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रख करके एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। ये थे स्वामी विवेकानंद जी के विचार। अब बेटा पाठ शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद की रुचि नई नई पुस्तकें पढ़ने की थी। एक बार वे घूमते हुए पुस्तकालय में गए। वहाँ रखी पुस्तकों से वे बहुत प्रभावित हुए। उनके साथ उनके गुरु भाई भी थे। गुरु भाई होते हैं बेटा सहपाठी, जो साथ में पढ़ते हैं। स्वामी जी ने अपने गुरु भाई से कहा, क्यों न कुछ दिन यहीं रुक करके इन पुस्तकों को पढ़ा जाए। गुरु भाई ने कहा, इन पुस्तकों को पढ़ने और समझने के लिए तो बहुत समय चाहिए। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले, पहले पढ़ना तो शुरू करें। दोनों ने उसी शहर में कुछ दिन रुकने का निर्णय किया। निर्णय का अर्थ बेटा यहाँ पर निश्चय किया। अब आगे देखिए। अब रोज स्वामी जी के गुरु भाई पुस्तकालय जाते। वहाँ से वे संस्कृत और अंग्रेजी की नई और मोटी पुस्तक लाकर स्वामी जी को देते। दूसरे दिन उस पुस्तक को पुस्तकालय में जमा कराते और नई पुस्तक ले जाते। अब आगे देखिए बेटा। एक दिन पुस्तकालय अध्यक्ष ने स्वामी जी के गुरु भाई से पूछ ही लिया, अरे भाई, इन पुस्तकों को केवल देखने के लिए ले जाते हो? यदि इन्हें देखना ही है तो मैं इसे यहीं दिखा देता हूँ। रोज इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है? स्वामी जी के गुरु भाई ने उत्तर दिया, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हमारे गुरु भाई इन पुस्तकों को ध्यान से पढ़ते हैं फिर वापिस करते हैं। यह सुनकर पुस्तकालय अध्यक्ष ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं उन्हें जरूर मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी उनसे मिलने और कहा, महाशय, आप हैरान न हो, मैंने न केवल उन पुस्तकों को पढ़ा है बल्कि उनको याद भी कर लिया है। इसके बाद उन्होंने कुछ किताबों के महत्वपूर्ण अंश बिना पढ़े सुना दिए। पुस्तकालय अध्यक्ष आश्चर्यचकित रह गए। उसने स्वामी जी की याददाश्त का रहस्य पूछा और बोले, अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो सब कुछ याद रहता है।
एक और बात है बेटा, ध्यान लगाकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है। अब बेटा हम पाठ में आए हुए शब्दार्थ पढ़ेंगे जो इस तरह से हैं, साथ ही इनका वाक्य में प्रयोग भी जानेंगे। रुचि, रुचि का अर्थ है शौक। मेरी संगीत में रुचि है। रुचि, रुचि का अर्थ है शौक। मेरी संगीत में रुचि है। निर्णय, निर्णय का अर्थ है निश्चय। मैंने फौज में भर्ती होने का निर्णय ले लिया है। गुरु भाई, गुरु भाई का अर्थ होता है सहपाठी। रोहन मेरा गुरु भाई है। इसके बाद आश्चर्यचकित, इसका अर्थ है हैरान। वह मुझे अपने गांव में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का अर्थ होता है बेटा विशेष। पुस्तकें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद है रहस्य, रहस्य का अर्थ होता है राज। वह घटना एक रहस्य बनकर रह गई। इसके बाद है बेटा ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक का अर्थ होता है एकाग्रचित। मैंने ध्यानपूर्वक तुम्हारी बातें सुनी हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे जो इस तरह से हैं। पहला शब्द है हमारा विवेकानंद। पुस्तकें, पुस्तकालय, प्रभावी, स्वामी, निर्णय, इसके बाद अध्यक्ष, इन्हें, उत्तर, आश्चर्यचकित, ध्यानपूर्वक, रहस्य, इसके बाद बेटा महाशय, महत्वपूर्ण, बल्कि, रुचि, तुम्हारी, निश्चय। इस तरह से ये पाठ में आए हुए हमारे कठिन शब्द हैं। अब दो से